इस वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी या उर्दू के वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आ ई या ये में से कोई भी एक शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप पहचान जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव में किया जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी और उर्दू के वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इस वाले रूल के क्रम के हिसाब से उनके शब्दों को एडजस्ट किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। आइए अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला एग्जाम्पल है मैं इस घर में रहता था। लास्ट में आपने देखा रहता था यानी ता था आ गया तो आप पहचान गए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। रूल आपको मालूम है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में लिखनी नहीं है, लिखेंगे उसके बाद वर्ब और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव में। वर्ब इसमें पहचानिए क्या है, रहता था यानी रहने को इंग्लिश में कहते हैं लिव और उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई लिव्ड, आई लिव्ड। उसके बाद सेंटेंस में वर्ब के बाद जो बचता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस घर में इन दिस हाउस उसकी इंग्लिश हमने लिख दी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया आई लिव्ड इन दिस हाउस। अगला सेंटेंस है उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस के लास्ट में आया लिखा, लास्ट में आ गया लिखा यानी कि आ गया आ। आपने पहचान में देखा था आ ई ये या ये, तो ये पहचान आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर इसमें था आ जाता लास्ट में लिखा था तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल भी ना रहकर ये हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो में। सिर्फ आप था देखेंगे, जब था से पहले ता है तभी था आएगा, और अगर ता नहीं है था से पहले तो था नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आ ई या ये, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप समझ गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है उसने, उसने को इंग्लिश में अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, हमने लड़की मान के सी लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब लिखनी नहीं है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना, लिखने को कहते हैं राइट और सेकेंड फॉर्म रोट हो जाएगी। उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट होता है, अपने पिता को एक पत्र अ लेटर टू हर फादर, सी रोट अ लेटर टू हर फादर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं कि इंग्लिश नॉट लिख दी जाती है। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया है वैसे ही बनाया जाता है, कोई चेंज नहीं करा जाता है। सेंटेंस आपके सामने मैं इस घर में रहता था पहले, तो आपने लिखा था आई लिव्ड इन दिस हाउस, अब हो गया है सेंटेंस मैं इस घर में नहीं रहता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेंटेंस जैसे था वैसे ही रहेगा आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में नहीं रहता था। अगला सेंटेंस उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में। उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट जो बचा उसे लिख देंगे, सी डिड नॉट राइट ए लेटर टू हर फादर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे में से अगर कोई भी एक वर्ड आ जाए तो आप पहचान जाइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो उसकी इंग्लिश भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी जाती है। एग्जाम्पल में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से बाद में लिखा जाता है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है। सेंटेंस है मैं इस घर में कब नहीं रहता था, कब आ गया क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया और कब यानी जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी। बाकी सेंटेंस जैसे बना था वैसे ही अफर्मेटिव और निगेटिव की तरह बनाना है, तो मैं इस घर में कब नहीं रहता था, वेन डिड आई नॉट लिव इन दिस हाउस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इंट्रोगेटिव में भी। दूसरा सेंटेंस है उसने अपने पिता को एक पत्र क्यों लिखा, क्यों शब्द आ गया तो आप पहचान गए इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा आपको, तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया हेल्पिंग वर्ब को, और क्वेश्चन वर्ड क्यों जो आया है उसकी इंग्लिश भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी। बाकी सेंटेंस वैसे ही है व्हाई डिड शी राइट अ लेटर टू हर फादर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अब आप इंग्लिश ग्रामर की किसी भी किताब को उठाकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।